नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GSV दरुण में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की 2017 और 2018 की प्रमुख योजनाओं के बारे में। देखिए, इस वीडियो में मैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई हैं, वो सभी योजनाएँ इस वीडियो में रखी गई हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और यूपी गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि इस टॉपिक से जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें भी जो है प्रमुख योजनाओं के बारे में पूछा गया है और आने वाली परीक्षा में भी योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लगातार मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें। देखिए दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो हैं उस वीडियो में डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा और मेरी आप सभी वीडियो देख सकोगे। और देखिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जो मेरा टॉपिक है, जो योजनाएँ हैं, आपको अच्छी लगेंगी, पसंद आएगी। और मैं शुभकामनाएँ देता हूँ दोस्तों आपको जिनका हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में, योजनाएं जो हैं आपको मिलेंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक करना और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। चलिए तो दोस्तों अध्ययन करते हैं प्रमुख योजनाओं के बारे में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक। देखिए, सबसे पहले आती है मुखबिर योजना। बस आपको क्वेश्चन जो मिलेगा ये मिलेगा कि मुखबिर योजना किससे संबंधित है। ठीक है, देखिए मुखबिर योजना किससे संबंधित है, लिंग अनुपात में वृद्धि करने के लिए। या अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलता है तो ऑप्शन में ये मिलेगा कि भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो योजना चलाई गई है लिंग अनुपात में वृद्धि करना, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में जो भ्रूण हत्या होती है, ठीक है, गर्भ में पल रहे बच्चे की जो मृत्यु होती है उसको रोकने के लिए मुखबिर योजना चलाई गई है। आपको ध्यान रखना है, अच्छे से आप जो हो इसका अध्ययन कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मदर केयर योजना किससे संबंधित है, तो नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए। ठीक है, जो मदर केयर योजना चलाई गई है वो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए चलाई है मदर केयर। आपको लॉजिक से ध्यान रखना, मदर केयर, ठीक है, भाई बच्चे की सबसे ज़्यादा जो केयर करती है वो मदर करती है। ठीक है, तो मदर केयर नवजात शिशुओं की सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मी कैशलेस चिकित्सा योजना किसके लिए चलाई गई है, तो कर्मचारी पेंशन के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा इसमें जो है शुरू की गई है। ठीक है, आप ध्यान रखना दोस्तों कि देखिए ये लिखा है कि राज्य कर्मी कैशलेस चिकित्सा योजना, इसका मतलब है कि जो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं और जो गवर्नमेंट पद से रिटायर हो चुके हैं, जो पेंशन भोगी हैं, जो पेंशन ले रहे हैं गवर्नमेंट के कर्मचारी, उनके लिए ये मुफ्त चिकित्सा सुविधा चलाई गई है। उनको जो है मुफ्त में चिकित्सा सुविधा दी जाएगी इस योजना के तहत। नेक्स्ट है गोपालक योजना। देखिए, गो यानी कि गऊ यानी कि गाय। गोपालक योजना का संबंध है कि डेयरी के द्वारा अपना रोजगार उपलब्ध कराना। जो बेरोजगार हैं, जो डेयरी लेने के इच्छुक हैं, उनको सरकार जो है सरकारी डेयरी के लिए ऋण देगी, सरकारी डेयरी देगी, ताकि वो दूध की डेयरी शुरू कर अपना रोजगार बढ़ा सकें। तो किस योजना के तहत, गोपालक योजना के तहत। नेक्स्ट है कन्यादान सामूहिक विवाह योजना, तो ये किससे संबंधित है, गरीब व जरूरतमंद लड़कियों की सहायता के लिए इसमें सहायता राशि आर्थिक मदद दी जाती है शादी विवाह के अवसर पर, है ना, कन्यादान सामूहिक विवाह योजना। नेक्स्ट है भाग्यलक्ष्मी योजना, गरीब परिवार में लड़की का जन्म होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, भाग्यलक्ष्मी, भाई बताते हैं जब लड़की घर में पैदा होती है तो लक्ष्मी आती है। ठीक है, बताया जाता है कि लक्ष्मी आती है और घर में शुभ होता है, अच्छा होता है लक्ष्मी के भाग्य से, यानी कि लड़की के भाग्य से। तो आपको लॉजिक से ध्यान रखना, भाग्य लक्ष्मी योजना, गरीब परिवार में जब लड़की जन्म लेगी तो उसके जन्म पर परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, तो ये इसके इस योजना में चलाया गया कि युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। जो
बेरोजगार युवा हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा उनकी योग्यता के अनुसार, और फिर उन्हें योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। नेक्स्ट है नमामि गंगे योजना। तो नमामि गंगे योजना जो है नदियों के किनारे बसे गांवों को शौचालय युक्त बनाने के लिए चलाई गई है। देखिए ध्यान रखना, नमामि गंगे योजना गंगा सफाई से संबंधित है, गंगा में जो गंगा नदी में जो गंदगी फैलाते हैं उसको रोकने के लिए चलाई गई है। तो इस योजना के तहत एक कार्य और किया गया कि नदियों किनारे जो बसे गाँव हैं वो ताकि गंगा नदी में गंदगी ना फैलाएं उसके लिए जो है उनको शौचालय युक्त यानी कि हर घर को एक शौचालय बनाकर देना है, टॉयलेट बनाकर देना है नमामि गंगे योजना के तहत। नेक्स्ट है योगी बुनकर पेंशन योजना। 60 वर्ष से अधिक आयु के हथकरघा बुनकर के लिए ये चलाई गई है। देखिए दोस्तों मैं फिर बता दूं आपको, देखिए इसमें जो है सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट योजनाएं रखी गई हैं और सभी योजनाओं का, अच्छी योजनाओं का इसमें कलेक्शन है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो भी आप यूपी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देंगे इस योजना से बाहर, इस वीडियो से बाहर कोई भी योजना नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट योजनाएँ जो है इसमें रखी गई हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इसका आप ठीक से अध्ययन कर लेंगे और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों को, फ्रेंड्स को भी शेयर कर देंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। चलिए देखिए बात करते हैं हम योगी बुनकर पेंशन योजना की। देखिए बुनकर वे होते हैं जो हथकरघा उद्योग में काम करते हैं। बुनकर होते हैं जैसे चटाई बुनना होता है, टोकरा बुनना होता है, तो उनको हम बुनकर कहा जाता है। और वो जो उद्योग है वो हथकरघा उद्योग में आता है। तो इसमें योजना चाहिए कि योगी बुनकर पेंशन योजना, और जो ऐसे व्यक्ति जो हथकरघा उद्योग से संबंध रखते हैं और जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो हमारी सरकार उनको जो है पेंशन देगी, ठीक है, योगी बुनकर पेंशन योजना के तहत। देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, हाई नाम आ रहा है इसमें हथकरघा, ठीक है। तो देखिए हथकरघा जो उद्योग है भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री पशुधन आरोग्य योजना किससे संबंधित है, तो पशुओं को मुफ्त में दवाइयां व उपचार उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा योजना, ये किससे संबंधित है, तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि जो दूर गांव क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें मरीजों के लिए चलता फिरता ICU अस्पताल, ठीक है। ये नहीं कि एक ऐसी एम्बुलेंस सेवा दी गई है जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जो शहरों से काफ़ी दूर क्षेत्रों में ग्रामीण रहते हैं उन मरीजों के लिए चलता फिरता ICU अस्पताल जो है ये बनाया गया है इस योजना के तहत। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित व सामान्य जाति के विद्यार्थियों के लिए चलाई गई है। यानी कि इस योजना में छात्रवृत्ति योजना यानी कि स्कॉलरशिप देना, तो ऐसे बच्चों को जो अनुसूचित जाति SC से हैं और सामान्य जाति यानी कि जनरल जाति के जो छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी जाएगी। नेक्स्ट है गोमती रिवर फ्रंट परियोजना, गोमती नदी है तो गोमती रिवर फ्रंट योजना का जो संबंध है गोमती नदी की सफाई के लिए चलाई गई है। फ्री वाईफाई योजना, फ्री वाईफाई योजना है बसों और बस स्टैंड पर वाईफाई सुविधा देना, ठीक है, वो भी फ्री में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसमें देखिए क्या है कि 25,000 से अधिक युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है योगी अन्नपूर्ण भोजनालय, गरीब लोगों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। योगी अन्नपूर्ण भोजनालय जो है ये योजना जो चलाई है इसमें गरीब जो लोग हैं उन्हें सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन योजना किससे संबंधित है, तो देखिए इसमें क्या है श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था उपलब्ध करवाना है, जो वहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं दर्शन करने के लिए तो उनके लिए व्यवस्था बनाना ताकि आसानी से वे जो हैं दर्शन मंदिर में विश्वनाथ दर्शन कर सकें। नेक्स्ट है स्मार्ट राशन कार्ड योजना किससे संबंधित है, तो देखिए इस स्मार्ट कार्ड योजना के जो तहत है राशन कार्ड में कार्ड में चिप लगी होगी और एक बार कोड जारी किया जाएगा, ठीक है। यानी कि राशन कार्ड में एक अब जो है चिप लगी होगी, जो नए कार्ड बनेंगे जो आधुनिक कार्ड बनेंगे राशन कार्ड उनमें एक नई चिप लगी होगी और एक बार कोड भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट एड योजना, सुदूर ग्रामीण इलाकों में सुविधा उपलब्ध कराना।
जिन ग्रामों में, यानी कि जो गांव क्षेत्र शहरों से काफी दूर है, उनमें कोई भी सुविधा नहीं है, तो उसमें हर सुविधा को उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है महिला कौशल विकास केंद्र, तलाकशुदा महिलाओं को साक्षर व आत्मनिर्भर बनाना। ध्यान रखना, महिला कौशल विकास केंद्र के तहत जो है, जो तलाकशुदा महिला है उनको साक्षर बनाया जाएगा और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है एंटी रोमियो स्क्वाड योजना, राज्य की महिलाओं और बहनों की सुरक्षा के लिए चलाई गई है। एमनेस्टी योजना, लंबित विद्युत बिल भुगतान जमा करने के लिए चलाई गई है। यानी कि एमनेस्टी योजना, जिनको जिनके पास यानी कि विद्युत का, बिजली का बिल है जो काफ़ी पुराना है, लंबित है, तो उनको जमा कराने के लिए एक योजना चलाई गई है। नगर विमानन प्रोत्साहन नीति, प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों को विमान सेवा प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। संकल्प यात्रा योजना, भगवा रंग की 50 बसों का संचालन करना इस योजना का उद्देश्य है। चिकित्सा सुविधा योजना, पंजीकृत श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य योजना। देखिए, यानी कि जो पंजीकृत श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो सरकारी सरकारी कार्य करते हैं और इनका सरकार के पास पंजीकरण होता है, तो उन मजदूरों को, उन श्रमिकों को जो है चिकित्सा सुविधा फ्री में दी जाएगी। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, यानी कि स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक लोगों को छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना, इसमें भूमिहीन परिवारों को बीमा द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। भूमिहीन यानी कि जिसके पास भूमि नहीं है, तो ऐसे किसान या भूमि कम है, ऐसे किसानों को जो है बीमा द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है श्रमिक जन जागरण अभियान, ये किससे संबंधित है, तो पंजीकृत श्रमिकों के लिए सरकारी योजनाएं। देखिए, जो श्रमिक जन जागरण अभियान है, श्रमिक यानी कि जो मजदूर हैं जो सरकार के पास पंजीकृत हैं, ऐसे श्रमिकों को, ऐसे मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, उसके लिए योजना चलाई गई है। नेक्स्ट है ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, इसका संबंध है घर बैठे सभी सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठाना। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने के लिए। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो लोगों को योग्यता अनुसार उनको स्वरोजगार बनाना या रोजगार प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है उद्यमिता विकास योजना, पशुपालन व डेयरी उद्योग के द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना। उद्यमिता विकास, पशुपालन के लिए ऋण दिया जाएगा या डेयरी उद्योग खोलने के लिए ऋण दिया जाएगा, तो उनको बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना के तहत देखिए 70 लाख बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार अवसर प्रदान कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, इसका उद्देश्य है कि बाजारों को सोलर लाइट की व्यवस्था प्रदान करना। नेक्स्ट है ग्राम्य अंगीकरण योजना, कृषि शिक्षाएं एवं स्वास्थ्य आदि योजनाओं पर कार्य करना। ध्यान रखना, ग्राम्य अंगीकरण योजना का उद्देश्य है यानी कि किससे संबंधित है, तो कृषि शिक्षाएं और स्वास्थ्य आदि योजनाओं पर कार्य किया जाएगा। साइकिल सहायता योजना, श्रमिकों के लिए साइकिल वितरण करना। जो श्रमिक होते हैं जिनका पंजीकरण सरकार के पास है, ऐसे मजदूर जिन्होंने पंजीकरण सरकार के पास करा रखा है, सरकारी काम करते हैं, तो उनको जो है साइकिल वितरण करना जो है इस उद्देश्य योजना का उद्देश्य है। आवास सहायता योजना, गरीब एवं बेघर श्रमिकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट रक्षाबंधन प्रोत्साहन योजना किससे संबंधित है, तो देखिए सड़क परिवहन निगम द्वारा ये योजना चलाई गई है, तो महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा। देखिए जो रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, तो उसमें जो है देखिए 24 घंटे के लिए जो
माताएं बहनें हैं उनके लिए जो है महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा दी जाती है इस योजना के तहत। योजना ध्यान रखना, रक्षाबंधन प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट है फूड बैंक योजना, किससे संबंधित है? शादियों में बचने वाला खाना गरीबों में वितरण करने के लिए योजना चलाई गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता देना। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ध्यान रखना कि लड़कियों की शादी के लिए जो है आर्थिक सहायता इस योजना में प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है प्रभु रसोई योजना, प्रभु रसोई योजना, गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त भोजन देना, ठीक है, या कम शुल्क में भोजन उपलब्ध कराना इस योजना का जो है प्रमुख उद्देश्य है। ध्यान रखना कि प्रभु रसोई योजना, रसोई यानी कि खाना उपलब्ध कराना, तो गरीब व जरूरतमंदों के लिए चलाई गई है और इसके तहत जो मुफ्त में और कम दाम में जो है अच्छा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है निःशुल्क बिजली कनेक्शन योजना, तो इसके तहत जो है बीपीएल धारकों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि सभी गांवों में जो है विद्युतीकरण करने का इनका लक्ष्य है, विद्युतीकरण चल रहा है और सभी को जो है कनेक्शन, बीपीएल परिवार जो है उनको जो है सरकार की तरफ से कनेक्शन, फ्री कनेक्शन दिया जा रहा है और मीटर भी लगाए जा रहे हैं। तो किस योजना के तहत है? ध्यान रखना कि निःशुल्क बिजली कनेक्शन योजना के तहत ये कार्य किया जा रहा है। गुलाबी बस योजना परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई गई है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ये योजना चलाई है और उत्तर प्रदेश में ऐसी बसें चलाई जाएंगी इस गुलाबी बस योजना के तहत कि परिवहन विभाग द्वारा वे केवल महिला द्वारा संचालित होंगी और महिलाओं के लिए ही चलाई जाएंगी, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये योजना चलाई गई है। नेक्स्ट है सगुन योजना, नवविवाहित जोड़े के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है सुगम संयोजन योजना, तो इस योजना का उद्देश्य है कि बिजली के इस्तेमाल के लिए सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है सचल पालना गृह योजना, मजदूरों के बच्चों की देखभाल व शिक्षा के लिए सुविधा उपलब्ध कराना। देखिए सचल पालना गृह योजना, पालना, बच्चों को पालना, बच्चों की देखभाल करना, तो ऐसे मजदूर जो सरकार के अंडर श्रमिकों के काम करते हैं या अन्य मजदूर हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं और मजदूरी में माता पिता को काम करना पड़ता है तो बच्चों की देखभाल नहीं हो पाती, तो ऐसे में सरकार ने इस योजना को चलाया है, शुरू किया है। और योजना में देखिए मजदूरों के बच्चों की देखभाल व शिक्षा के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी इस योजना के तहत। नेक्स्ट है कंगारू मदर केयर योजना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए चलाई गई है। मातृ यानी कि माता और उसके बच्चे, शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए कंगारू मदर केयर योजना चलाई गई है। नेक्स्ट है डायल 181 योजना, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई गई है। देखिए क्या है डायल 181 यानी कि 181 नंबर 181 डायल करने पर जो है महिलाओं की सुरक्षा की जाती है, तो ये योजना है डायल 181 योजना जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। देखिए दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सभी योजनाएं जो है अच्छी लगी होंगी और आप जो है एक दो बार इन्हें याद करने के बाद आप अच्छे से इनको रट लेंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।